अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज फाइनली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो खैर नहीं कह सकते, नेशनल रिकॉर्ड कह सकते हैं कि कौमी सतह पे, चलो रिकॉर्ड है ये शायद है या नहीं है, बहरहाल मेरे दिल के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, समझ रहे हो। तो हुआ कुछ यूँ कि हम जा रहे थे मिलिट्री बेस और ये रोज़ की तरह एक गेम था, जैसे हर रोज़ मैं गेम खेलता हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक दिन में 12 घंटे गेम खेलता हूँ हर रोज़। और अगर कभी रात को जागने का मूड हो जाए तो फिर तो 18 घंटे पूरे पबजी नहीं, मतलब एक दो घंटे पबजी खेल लिया, फिर कोई वीडियो पे वीडियो देख ली, स्टैंड अप देख लिया, कॉमेडी देख ली, गाने सुन लिए, दोबारा ऐसे करके, मतलब कुर्सी से नहीं उठता मैं। तो हम जा रहे थे मिलिट्री बेस और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ पूरी देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है चलो, पर इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वीडियो को पूरी देखना। तो हम जा रहे थे मिलिट्री बेस बहुत टाइम के बाद शायद, ये चूँकि ये रेंगल 1.0 का है और ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले से मेरे पास है, ये आज मुझे अचानक दिखी, मैंने ओपन की तो ये वीडियो थी और इसको मैं कब से ढूंढ रहा था। हम उतरे, हम पहले जहाँ पे जाते हैं डिपार्टमेंट पूरा वो खोला, देखा कुछ भी नहीं मिला उसमें, फिर आप यहाँ पे आ गए तो एकेएम और मिनी 4 इनम को मिलेगी। तो यहाँ पे एक बंदा था जो कि मेरी तरफ आने की जिद्दोजहद में सरोशार हुआ हुआ था यार। ये रेंगल, ये बिल्डिंग्स मुझे बहुत याद आ रही हैं रेंगल 1.0 की ना, क्योंकि इसमें विंडो नहीं थी ना, मतलब जहाँ बंदा कैंप अच्छा होता था, अब विंडो है ना तो साइड से भी पड़ी जाती है। तो एक बंदा नीचे था, बिल्कुल लेफ्ट वाले दरवाजे से आया और अब बीच की सीढ़ियाँ लेगा और ऊपर, और वेयर आर यू गोइंग, आई एम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट करेक्ट। तो एक किल हमारा हो गया, किल्स का मैं मरा बहुत बुरी तरीके से मरा हूँ, लेकिन एक बंदे को जिस तरीके से मारा, क्योंकि 256 मीटर आयरन साइट स्पैरल हर कोई नहीं कर पाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पता नहीं कैसे, मुझसे भी गलती से हुआ है, सीधी बात है, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो क्या हुआ, अब एक और बंदा था जो यहीं पे आ रहा था, उस वो पहले राइट वाली से आता है, लेफ्ट वाली में जाता है और फिर बीच में आता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं देखता, मतलब ये जगह क्या है इस जगह को। फिर एक और बंदा वहीं पे होता है लेकिन वो तंग कर रहा होता है, तो वो दूसरी बिल्डिंग में चले जाता है। तो मैं यहाँ पे आपकी टिकट पीपी लेने लग जाता हूँ, मैं टीपीपी बोलने वाला था, टीपीपी लेने लग जाता हूँ। फिर वो बंदा जंप करता है और वो बोलता है कि क्यों ना मैं ऊपर चले जाऊँ। तो जैसे ही पेड़ देता है, मैंने ऐसा दिया कि एक भी गोली नहीं लगी, मतलब लगी 3-4 लगी, लेकिन ये डेड होना चाहिए था। लेकिन फिर जब ऊपर जा रहे थे एम की तरफ रख के, बंदा बंदा मारा हमने, और फिर हम ऊपर गए तो एक पॉट कॉन्करर प्लेयर हमारी तरफ दवा दवा थी, उनको भी हमने मारा, लेकिन फिर उनकी शॉट आए और मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम 7 स्टार टावर पे जाएं, और फिर हमने इस टावर की तरफ अपना सफ़र रवा दवा किया। और अब आगे जाके मैं वीडियो दो पीसीस में कनेक्ट करूँगा, सेपरेट कर दूँगा दो स्क्रीन्स में, ऊपर वाली स्क्रीन्स मेन होगी और नीचे वाली सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी वाली पे आप देखना, ठीक है। स्टार्ट, तो ये सेकेंडरी मेरा एम दिखा रही है और जो फर्स्ट है वो नॉर्मल जैसे एक व्यू है वो दिखा रही है थर्ड कैमरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, 256 मीटर आयरन साइट स्कारल, नो वन कैन गेट दिस स्किल, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह शॉट नहीं मारा जिस तरह मैंने मारा है। सो आई रियली रियली नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट ऑन योर व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बस मैं इंग्लिश ऐसी बोल रहा हूँ, सुनते रहो, ठीक है। एंड कॉमेंट ऑल्सो, कॉमेंट लीव योर कॉमेंट एंड लाइक माई वीडियोज, एंड प्लीज़ वॉच वन ऑफ दोज माई वीडियो इन माई चैनल XYZ English in Chrome। तो अब हम जा रहे थे, सामने में USZ दिखी, इसमें पेट्रोल
आधा था, मैंने बोला यूज़र ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा सिक्योर रहती है, क्योंकि उससे हेड नहीं दिख रहा होता ना तो स्प्रे कम ही लगता है उस पर। तो फिर हम भाग के गए हमने यूएसए के लिए। तो भाई ठीक है, मिलते हैं आपसे, टेक्स वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखना, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।